हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका पर बम्पर भर्ती 2019 आ गई है फ्रेंड। योग्यता सिर्फ 10th पास मांगी है। जी हाँ दोस्तों, योग्यता सिर्फ 10th पास और 8वीं पास, उम्मीदवार इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसका 19 सितंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, 19 सितंबर 2019 इसका लास्ट डेट है और ऑनलाइन आपका स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर से। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर से आपका इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, तो सभी उम्मीदवार इसको जरूर ऑनलाइन कीजिएगा। और इसका जो है दोस्तों, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है और डायरेक्ट इसमें भर्ती होने वाली है। डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट इसमें मेरिट लिस्ट निकालेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बिहार और आपका SSC, NTPC, रेलवे से रिलेटिव कोई भी आपका न्यूज़ आती है, वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यह बिहार सरकार द्वारा निकाला गया और तृतीय चरण आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का चयन हेतु आवेदन से संबंधित सूचना, सभी संबंधित सूचना को सूचित किया जाता है कि विभिन्न जिलों में स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध शेष बचे रिक्त, यानी कि जो शेष बचा गया है रिक्त, वो केंद्र के लिए आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के पदों के लिए चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आमंत्रित, आपका जो पद बच गया था उसी के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है। आपको ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों, ये वाला वेबसाइट में आपको क्लिक करके ऑनलाइन करना है दोस्तों, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आगे आपके बारे में इसका पूरा सूचना दिया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका विस्तृत सूचना तथा आर्ता रिक्त केंद्र की सूची पंचायत वार्ड या से आपका देना होगा, प्रकाशित किया जाएगा। और रिक्त पदों हेतु आवेदन की समय सीमा और औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन आदि का समय सूची यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर समय सूची क्या दिया गया, आपका ऑनलाइन स्टार्ट है 5 सितंबर से, इसका ऑनलाइन है स्टार्ट और लास्ट होगा 19 सितंबर तक आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो आपका प्रकाशन होगी वो 25 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है यानी कि बाल विकास परियोजना कार्यालय प्रखंड कार्यालय के सूचना पट में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशन किया जाएगा दोस्तों इसको। यहाँ पर आपत्ति, यहाँ पर देखिए 3 नंबर दिया, आपत्ति लेने की तिथि, यानी कि आपका जो कोई आपत्ति है, आपका आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो 25 सितंबर को से एक आपका जो है अक्टूबर तक आप इसको आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 4 नंबर पे लिखा है आम सभा की तिथि, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक आम सभा के पूर्व विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी आवश्यक कार्रवाई संबंधित महिला पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। और एक बात बोलेंगे, इसको सिर्फ आपका जो है हुमेन ही भर सकती है दोस्तों, इसको सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। चलिए हम इसको जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर दिया है कि ऑनलाइन आपको इस वाला वेबसाइट में जाकर क्लिक करके आपको ऑनलाइन करना है फ्रेंड। इसके बाद आगे देखिए, ऑनलाइन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ 6 नंबर दिया है कि ऑनलाइन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका मैट्रिक के अंक पत्र चाहिए, सहायिका के लिए यानी 8 पास चाहिए, 8 पास का जो अंक पत्र है वो वाला चाहिए, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि विधवा है तो, विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांग अभ्याप प्रमाण पत्र आदि को भी निर्धारित साइज पर अपलोड करना अनिवार्य, यानी कि ये सब का दोस्तों आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय A4 साइज में। जी हाँ दोस्तों, A4 साइज में इसको अपलोड भी करना होगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखा 7 नंबर में क्या लिखा हुआ, आवेदिका को ऑनलाइन किसी तरह की कठिनाई होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जाके अपना जो हर जिला में आपका है जो है वहां पर बाल विकास परियोजना में आप जाके संपर्क कर सकते हैं यदि ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 8 नंबर में दिया है, यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को आम सभा नहीं की जाती है अथवा सेविका का चयन नहीं हो पाता है तो विभाग मार्गदर्शिका के रूप के अनुरूप अगली आम सभा की जाएगी, यानी कि कारणवश नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट में किया जाएगा। आपका आपका देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर में लिखा हुआ है, आवेदिका अपने
पूर्णतः भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अवश्य लेके, यानी प्रिंट आउट लेके जब मेरिट लिस्ट आपका जो सिलेक्शन होगा तो वह प्रिंट आउट जरूर मांग सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि आपको यदि इसके बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए या कुछ इससे संबंधित में कुछ पूछताछ करना है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप जरूर पूछताछ कर लीजिएगा। कॉल करके यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सब महिला लोग इसको जाके जरूर ऑनलाइन कीजिएगा। 5 सितंबर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 19 सितंबर तक ऑनलाइन चलेगा। इसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाली है तो ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी कोई क्वारीज है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हर एक कमेंट का हम जवाब देने वाले हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहे और 5 सितंबर से जैसे ऑनलाइन होगी तो उम्मीद है हम इसका वीडियो जरूर डालेंगे। तो मेरे चैनल से बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।